नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सन स्टार टीवी में। मैं हूं आपके साथ विपुल माहेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की 5 बड़ी खबरों के साथ। बात सबसे पहले राजस्थान की करेंगे, जहां राजस्थान के टोडा रायसिंहपुरा से 12 किलोमीटर दूर बीसलपुर बांध के किनारे बसा बीसलपुर फिश एक्वेरियम पर पर्यटकों का तांता लगा है, जहां पर्यटक लगातार एक्वेरियम का दीदार करने पहुंच रहे हैं। और मानसून के इस वक्त के दौरान इस वक्त पर्यटकों के लिए रंग बिरंगी मछलियां आकर्षण का केंद्र है। राजस्थान के टोडा रायसिंह के उपखंड मुख्यालय से मात्र 12 किलोमीटर दूर स्थित बीसलपुर बांध के किनारे बना बीसलपुर फिश एक्वेरियम में दुर्लभ प्रजाति और रंग बिरंगी मछलियां इन दिनों पर्यटकों को लुभा रही है, जहां एक्वेरियम में पर्यटकों का तांता लगा है। मानसून के मौसम के बीच जयपुर समेत कई जिलों के पर्यटक एक्वेरियम का दीदार करने पहुंच रहे हैं, जहां आकर्षण का केंद्र एक्वेरियम में दुर्लभ मछलियां और कई दुर्लभ प्रजाति के जीव के साथ ही कई झूले भी आकर्षण का केंद्र है, जहां लोग घूमने के लिहाज से पहुंच रहे हैं। वहीं एक्वेरियम में तोता मछली सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनी है। पर्यटकों का मछलियों का कलरव बेहद रास आ रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर मनीष खंडेवाल ने बताया कि लोगों को दुर्लभ प्रजाति की मछलियाँ बेहद रास आ रही है, जहाँ लोग दूर दूर से एक्वेरियम का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। बात राजस्थान की करेंगे। राजस्थान में लगातार मानसून आफत बन चुका है, जहां राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश के बाद तबाही मच गई है। और इस बीच राजस्थान के कई जिलों में गांवों का संपर्क भी टूट गया है और मौसम विभाग की ओर से चेतावनी भी जारी की गई है। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में हो रही लगातार भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, जिससे निपटने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में झालावाड़, बारा, टोंक, कोटा, बूंदी के इलाकों में भारी बारिश देखने को मिली है। झालावाड़ के अकलेरा में सबसे ज्यादा 154 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग की माने तो इस दौरान राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, लेकिन आने वाले समय में राजस्थान में भी तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। फिलहाल बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। तो वहीं लगातार सवाई माधोपुर के चौकरी गांव में 19 ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया है। देखा जाए तो राजस्थान में इस बार की बारिश आफत बनकर बरसी है। बात राजस्थान की करेंगे। राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी है। 3 चरणों में होने वाले चुनाव पर अब सवाल उठने लगे हैं। राजस्थान सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी है, जहां 6 जिले भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही के जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान 3 चरणों में होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की माने तो प्रथम चरण के लिए 26 अगस्त, दूसरे चरण के लिए 29 और तृतीय चरण के लिए 1 सितंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान कराया जाएगा, जबकि 4 सितंबर को संबंधित जिला मुख्यालयों पर मतगणना कराई जाएगी। मतगणना 4 सितंबर को जिला मुख्यालयों पर होगी। इसके साथ ही प्रमुख प्रधान का चुनाव 6 सितंबर को, जबकि उप प्रमुख और उप प्रधान का चुनाव 7 सितंबर को होगा। लेकिन कोरोना के खतरे के बीच होने वाले पंचायत चुनाव की घोषणा पर अब लगातार सवाल उठने लगे हैं। अब बात करेंगे, केंद्र सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की। भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़े सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों की भावनाओं को देखते हुए इस अवार्ड का नाम अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों से आग्रह भी सामने आए कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित कर दिया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां सेना और आतंकियों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ देखने को मिली है, जहां सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त लगातार सेना का ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां राजौरी में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। बता दें, आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सेना इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी और पूरे इलाके को
घेराबंदी की गई थी। इसी दौरान आतंकियों से मुठभेड़ में दो आतंकी मार गिराए गए हैं। फिलहाल मौके पर सर्च ऑपरेशन जारी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे सन स्टार टीवी।